करना चाहे। एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा माँ। और अपने पापा की बात याद रखना कि जिंदगी में तीन रास्ते होते हैं, सही रास्ता, गलत रास्ता और बीच का रास्ता। और जिस दिन मुझे मेरा रास्ता मिल जाएगा उस दिन मेरे मन को शांति मिलेगी। पापा ये भी कहते थे कि इस रास्ते को चुनना इतना आसान नहीं होगा। गणपति तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब चलो। खान साहब, सब इंस्पेक्टर आदि कुछ रिपोर्टिंग फॉर फील्ड ट्रायल्स सर। तो क्या लगता है सर, एक पे तो ऑलरेडी 6 मर्डर के चार्जेस हैं सर, लेकिन इस बार 307 लगा नहीं सकते क्योंकि गन चली नहीं। लेकिन अगर पुराने केसेस के साथ जोड़ लें और इन सबका हुडवाले के साथ और डागर के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर दें तो 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मर्डर में सब अंदर हो जाएंगे सर। उम्र कैद पक्की है सर। 120 भी? अबे चूतिए, मैं तो इस व्यू के बारे में बात कर रहा था। सर ये हमारा केस है सर। केस गया खाए। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पुरानी दोस्त है। मैं क्रैश के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ याद नहीं। मैं बताता हूँ क्या हुआ। सर वो बंदूक छीन कर भाग रहे थे, मेरे आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दे ओपन फायर, आई हैड टू शूट। हैड टू? सर मेरे आदमी सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, तभी फायर करेंगे जब सामने से गोली चलेगी। शायद इसीलिए पिछले 4 एनकाउंटर्स में किसी भी पुलिस वाले को कोई गोली नहीं लगी। आप चाहते हैं उन्हें लगे? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक दूसरे की लेने के बजाय डागर को ढूंढो और एक्सट्रॉशन किलिंग को रोको। देखिए उसका सेलफोन ट्रेस किया जा चुका है, कॉन्क्रीट एविडेंस मिलते ही। कॉन्क्रीट? हर बिल्डर के पिछवाड़े में कॉन्क्रीट घुसा हुआ है। और अगर डागर ने एक और बिल्डर को मार डाला तो ऑपोजिशन लॉ एंड ऑर्डर मेरे पिछवाड़े को सिर देगा और तुम्हारा करियर में तुम्हारे पिछवाड़े। साहब वो कुल्हाड़ी मारने वाले को तो नहीं दिखा था, लेकिन वो अंधा भिखारी है ना, बिल्डर का ड्राइवर ने उसको देखा था सर।